सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मापीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम के अल्टरनेट एंडिंग के बारे में। तो स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग जैसे हमें मूवी में देखने को मिली, इनिशियली स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग थोड़ी डिफरेंट होने वाली थी। उससे स्पाइडरमैन नो वे होम के ओरिजिनल एंडिंग के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बना के रखी है, जहां पर मैंने आपको बताया था कैसे बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के कारण हर एक व्यक्ति ये भूल जाता है कि आखिर स्पाइडरमैन कौन है, और हर एक व्यक्ति पीटर पार्कर को ही भूल जाता है, इंक्लूडिंग द एवेंजर्स एंड एमजे और नेड। जिसके बाद हम देखते हैं कि एमजे और नेड एमआईटी चले जाते हैं, पर पीटर पार्कर एमआईटी नहीं जाता है, जबकि पीटर पार्कर अपने लिए एक अपार्टमेंट लेता है और वो अपने लिए एक नया सूट भी बनाता है। सो ये तो थी ओरिजिनल एंडिंग, इसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बना कर रखी है, अब जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन मिल जाएगा। बेसिकली स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग काइंड ऑफ एक ओरिजिन स्टोरी थी टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के लिए। तो अब एमसीयू के अंदर टॉम हॉलैंड एक रियल स्पाइडरमैन बन गया है, और अब टॉम हॉलैंड को कोई भी आयरन मैन जूनियर नहीं बोलेगा। पर इनिशियली कुछ ऐसे प्लान्स थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के कारण सब ये नहीं भूलते कि आखिर पीटर पार्कर कौन है, बस डॉक्टर स्ट्रेंज सारे मल्टीवर्सल विलन्स को अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस में भेज देते, पर पूरी दुनिया अभी भी जानती कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। जिसके बाद एमजे और नेट को सेफ रखने के लिए टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद एमजे और नेट दोनों से ब्रेकअप कर लेता और उन दोनों से दूरी बना लेता। बाकी मूवी की एंडिंग सेम होती, जहां पे पीटर पार्कर अपने लिए एक नया अपार्टमेंट लेता और प्रोबेबली वो एमआईटी नहीं जाता, और प्रोबेबली टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अपने लिए एक नया सूट बनाता। बाकी मूवी की एंडिंग वैसे ही होती, बस पूरी दुनिया अभी भी जानती कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। पर मूवी के राइटर्स ने, डायरेक्टर्स ने और टॉम हॉलैंड खुद ने इस एंडिंग को डिस्कार्ड कर दिया, और जिसके बाद हमें ओरिजिनल एंडिंग देखने को मिली, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के कारण हर एक व्यक्ति भूल जाता है कि पीटर पार्कर कौन है। जिसके बाद टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एमजे और नेट से खुद ब्रेकअप नहीं करना पड़ता है, बल्कि वो खुद भूल जाते हैं कि आखिर पीटर पार्कर कौन था। पर स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में हम देखते हैं कि टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर ज़ंडाया के एमजे को नहीं बताता है कि वो कौन है, इसलिए मे बी क्योंकि टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर नहीं चाहता था कि ज़ंडाया वापस से हर्ट हो उसके कारण। सो जो अल्टरनेट एंडिंग थी उसे ओरिजिनल एंडिंग में भी थोड़ा बड़ा मिक्स किया गया है, बट बहुत ही सटल तरीके से। और आई थिंक जो ओरिजिनल एंडिंग थी वही बेटर एंडिंग थी, क्योंकि जो अल्टरनेट एंडिंग थी वो काफी ज्यादा सिमिलर थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज के एंडिंग से, जहां पर बेसिकली एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन एमा स्टोन के ग्वेन स्टेसी से ब्रेकअप कर लेता है उसके फादर के कारण, और ताकि वो ग्वेन स्टेसी को सेफ रख सके इसके कारण। तो बेसिकली स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग काफी ज्यादा सिमिलर भी हो जाती द अमेजिंग स्पाइडरमैन की एंडिंग से। इसे शायद मूवी के राइटर्स और डायरेक्टर्स ने एंडिंग को चेंज करके हमें थोड़ी डिफरेंट एंडिंग दी, जहाँ पे पूरी की पूरी दुनिया ये भूल जाती है कि आखिर पीटर पार्कर कौन है, और आई थिंक ये एंडिंग बेटर थी। इसके अलावा स्पाइडरमैन नो वे होम से और भी काफी सारे मल्टीपल सीन्स को डिलीट किया गया है। डेयर डेविल के मूवी में कुछ और सीन्स थे, इसके अलावा कुछ सीन्स में हमें टोनी स्टार्क की बेटी भी दिखने वाली थी, प्लस कुछ सीन्स में हमें टॉम हॉलैंड का भाई भी दिखने वाला था, पर इन सारे सीन्स को मूवी से डिलीट कर दिया गया। तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले कि आपको स्पाइडरमैन नो वे होम की ओरिजिनल एंडिंग ज्यादा पसंद आई या फिर अल्टरनेट एंडिंग ही ज्यादा अच्छी थी, ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताना ना भूले। इसके अलावा इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।